अल्लाह ताला ने ग़ज़वाए ओहद के बाद सूद को हराम करार दिया और इरशाद फरमाया कि तंगी और फरागी दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। चूँकि इस लड़ाई में माल गनीमत हासिल करने की वजह से फतह आर्जी तौर पर शिकस्त में तब्दील हो गई, लिहाजा माल की मोहब्बत को निकाल देने और उसकी जगह अल्लाह की मोहब्बत को जगह देने की तलकीन की गई। ग़ज़वाए ओहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक दस्ता को हुक्म दिया था कि इस जगह से नहीं हिलना, मगर उन्होंने ये ख्याल किया कि अब चूंकि फतह हो गई है लिहाजा हमें भी माल गनीमत हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस लग्जिश की पादाश में फतह को आर्जी तौर पर शिकस्त में तब्दील कर दिया। ग़ज़वाए ओहद में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी मदीना मुनव्वरा से बाहर मुसलमानों के साथ लड़ाई के लिए निकला, मगर कुछ दूर जाकर अपने साथियों को लेकर वापस मदीना लौट आया कि मेरा मशवरा नहीं माना गया। इस वाक़या से मुनाफिकीन बेनकाब हो गए। ग़ज़वाए बदर के बाद यहूद के कबाइल मुसलमानों से डरने लगे थे और इस्लाम की तरफ माइल होने लगे थे, मगर ग़ज़वाए ओहद के बाद इनका रवैया यकसर तब्दील हो गया और अहद छिकनी शुरू कर दी। हत्ता कि एक कबीला बनू नज़ीर मुसलमानों से लड़ाई पर उतर आया, आखिर इस कबीला को मदीना मुनव्वरा से जला वतन कर दिया गया। ग़ज़वाए ओहद के बाद कबाइल ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की सरगर्मियां शुरू कर दी। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आए और अपने साथ मुबल्लिग सहाबा को ले जाने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में उनके हमराह किया, मगर 8 सहाबा को रास्ते में ही शहीद कर दिया गया और बाकी 2 को मक्का पहुँच कर शहीद कर दिया। इस तरह कुछ अरसा बाद अबू बरा आमिर बिन मालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और नजद में इस्लाम की इशाअत के लिए मुबल्लिग सहाबा का तकाजा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने 40 सहाबा का वफद हज़रत मंजर बिन उमरू अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़्यादत में रवाना किया, मगर जब ये लोग बैरे मऊना के मुकाम पर पहुँचे तो तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। ग़ज़वाए खंदक वो जंग है जिसमें पूरे कबाइले अरब मुसलमानों के खिलाफ जमा हुए, क्योंकि एहज़ाब जमा है हिज़्ब की और हिज़्ब के मानी फ़ौज या ग्रोह के हैं। चूँकि इस जंग में अरब के मुख्तलिफ कबाइल इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे और सबका मकसद मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटाना था, इसलिए इस जंग को ग़ज़वाए एहज़ाब का नाम दिया गया। इसको ग़ज़वाए खंदक भी कहा जाता है क्योंकि मुसलमानों ने सरज़मीन अरब की तारीख में पहली मर्तबा मदीना मुनव्वरा के दिफा के लिए एक खंदक खोदी, जिसकी वजह से इसको ग़ज़वाए खंदक कहा गया।